आज तो इतनी तेज बारिश आ रही है ना। मम्मी से कितनी बदतमीजी से बात करते हो। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हमें 2 महीने से पेमेंट रिसीव नहीं हुई बिकॉज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे पास ना कमेंट आ रहे कि आप ना थोड़ा गुड मॉर्निंग अलग तरीके से स्टार्ट करो। मैं अलग तरीके से क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ आता। एंड ये ना मुझे रट्टी पड़ी है बाद। अब मेरे को जैसे ही फोन स्टार्ट होता है तो ये सीधा ऐसे स्पीच तोते की तरह नहीं होती, तोते की तरह निकल पड़ती है। मैं थोड़ा पोज लेती हूँ, नहीं ये नहीं बोलना। लोगों ने बोला चेंज करो चेंज करो। मैंने मम्मी को बोला है अब से आप थोड़ा गुड मॉर्निंग करो, लोगों के लिए भी चेंज होगा, थोड़ा कुछ नया दिखेगा। सेम देख देख के ऑब्वियसली हो जाता है कि डेली एक ही चीज देखी जा रही है। तो कल से मैं ट्राई करूंगी मम्मी ही गुड मॉर्निंग करे। तो आज तो गुड मॉर्निंग आप मेरी देख लीजिए। तो आइए आज के हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज तो इतनी तेज बारिश आ रही है ना, एंड मौसम देख सकते हैं, मतलब सनलाइट भी हल्की हल्की सी आ रही है, क्लाउडी भी हो रखा है, बहुत अच्छा सब मौसम हो रखा है। और यहाँ पे बालकनी में ना तुलसी की और एक कड़ी पत्ता की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है इस मौसम में, तो और मज़ा आ रहा है आज ना। आज मम्मी ने बनाया है लंच में ये उड़द की दाल, कहते हैं शायद वही है, सैलेड और रोटी। घर का काम हो गया है बस, अब कर रही हूँ लंच अपना। आज मम्मी ने जो पानी ऊपर भरा था इसमें तो पानी भी साफ दिख रहा है, बट पानी ना थोड़ा मिट्टी वाला आ गया आज, तो हम सारा का सारा पानी खाली कर रहे हैं सो देट दोबारा शाम को जब पानी है तो उसे दोबारा से भर सके। अभी मुझे रिसीव हुआ है, मेरा एक पार्सल पैकेट में आया है, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो चुकी हूँ। आई डोंट नो किसकी गलती है क्या नहीं है। मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था ना पावर गमीज, तो मेरे को कोलैबोरेशन में पावर गमीज आई थी, ऐसे मेरे पास 3 बॉक्सेस आने थे लाइक 1, 2, 3। तो ये देखिए इसके प्राइस लिखा हुआ है 2493, मतलब ऑलमोस्ट लगा लीजिए 2500। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए हेयर नेल विटामिन 3 मंथ पैक, और ये आना था। बट मैं शॉक्ड हूँ, ये मेरे पास जो रिसीव हुआ है आप देखिए, ये मुझे क्या रिसीव हुआ है, ट्रायल पैक ब्लेसफुल स्लीप, और इसमें सिर्फ 2 गमीज है, ओनली जस्ट 2 पीस ऑफ गमीज, 2500 रुपीज़ की 2 गमीज। लाइक मेरे को ऐसे 3 बॉक्सेज आने थे, तो जिन मेरा ये कोलैबोरेशन में ही था तो मैंने इसके लिए तो कुछ ऑब्वियसली पे नहीं करा, जिसके थ्रू आया था तो मैंने उसको कॉन्टेक्ट करा है, मेल भेजी है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि मुझे देखिए क्या रिसीव हुआ है, तो देखो कब तक मुझे बताएंगे। बट मतलब क्वाइट शॉकिंग, आई डोंट नो ये डिलीवरी वालों की साइड से या फिर जो पैकेट पैक हुआ है उसमें ही गलती हुई है, बट बिलिंग के लिए तो 2500 लिखा हुआ है, उसके बदले से भी 2 गमीज। तो मैं लाइक बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ, एंड ये मुझे जो आया है डिलीवरी से डिलीवरी हुई है इसके, तो देखती हूँ पता लगाती हूँ आपको, जैसे भी होगा आगे अपडेट करती हूँ। आज शाम में मम्मी ने बनाई है ब्रेड बटर और उसके साथ में है चाय। मम्मी अभी ना एक का कमेंट आया कि आप अपनी मम्मी से कितनी बदतमीजी से बात करते हो। पता नहीं मेरे को लगता है इस वजह से होता होगा, पता है क्या होता है, फोन ना मेरे हाथ में होता है जिसके मतलब मेरी वॉइस ना सबसे पास होती है फोन के, तो मेरी वॉइस लाउड आती है और मम्मी की वॉइस थोड़ी कम आती है। ये जब भी हम व्लॉगिंग करते हैं ना, आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा जिसके हाथ में फोन होता है उसकी वॉइस ज्यादा लाउड आती है, जो दूसरा बंदा होता है उसकी वॉइस कम आती है। अब मेरा फोन यहाँ पे मम्मी फोन से इतनी दूर है तो मम्मी की वॉइस कम आती है, तो मैं थोड़ा पिच कम करूँ बोलने में, है ना, इस वजह से लगा होगा। बताओ ऐसे बोल रहे हैं? नहीं मेरे पास अभी एक आया कमेंट में पड़ी रही थी, वही तो मैं सोच रही। चलो बाय, ठीक है, बारिश आ रही नहीं मेरे लिए कुछ, बारिश आ रही है अभी भी, हाँ है अभी बारिश, तो जल्दी आ जाना ठीक है, कुछ लाना तो बता। नहीं नहीं कुछ नहीं लाना, बाय। शाम को पानी दोबारा से फ्रेश भरा है तो अब जाके बर्तन धुले, सुबह से हमने बर्तन ही नहीं धोए बिकॉज गंदे पानी से बर्तन क्या धोने। कपड़े सारे ऐसे सुखा रखे हैं, आज धुले थे कपड़े, पर सुबह से ही बारिश हो रही है तो घर में ऐसे सोफे पे
रख कर ही कपड़े सुखा रहे हैं। चादर भी ऐसे टेबल पे रखी हुई है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सोच रहे जो हम ना एक दिन में ना वो ड्राइंग रैक आता है ना वो ले आए। अभी आया है काकू और लाया है फ्राइड मोमोज हाफ प्लेट। उसने खाई है हाफ प्लेट मैंने। मोमोज वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरे, आप लोगों को तो पता ही है। मम्मी के फेवरेट है डोरिटोज नाचोस। मेरे फेवरेट थे, मम्मी के फेवरेट बन गए अब ये डोरिटोज। मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो मोमोज वगैरह नहीं खाती। हाँ मोमोज कुछ भी नहीं खाते आप चाइनीज में? नहीं, चाइनीज में कुछ भी नहीं खाते। हाँ मैं शुक्र है डोरिटोज तो पसंद आए मम्मी को। एक देना लगे हाथ, एक दे भी दो खाते ठीक है। मेरे पास आज एक लेडी का कमेंट आया कि आपको पेमेंट कब रिसीव होती है यूट्यूब की, आपको लाइक सिल्वर बटन आने के बाद पेमेंट रिसीव होना स्टार्ट होता है या कैसे। मेरे पास इससे पहले भी YouTube के रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस आ रखे थे। मैंने सोचा भी हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जब हमारी फर्स्ट पेमेंट आएगी, तब मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बट जब हमें फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई तब मामा हॉस्पिटलाइज थे, मतलब जून के टाइम पे ही हमें फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई थी एंड उस टाइम पे मैं इतना व्लॉग में एक्टिव नहीं थी, तो इसी वजह से वो टॉपिक रह गया। देन मेरे दिमाग से भी वो चीज़ निकल गई, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के जो भी यूट्यूब के रिगार्डिंग डाउट्स है वो क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो जैसा आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो वीडियो अपलोड जैसे हो जाती है तो पैसे अर्न करने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को मोनेटाइज करना होता है। यस, चैनल मोनेटाइज क्या होता है? चैनल मोनेटाइज लाइक आपको ना सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करने होते हैं, प्लस उसके साथ ही आपको 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। 4000 वॉचिंग आवर्स क्या होते हैं? जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका वॉच टाइम मिलता है, लाइक काफी लोग स्किप कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, कितने लोग कितने व्यूज है एंड कितने मिनट तक वो वीडियो देखी गई है, तो ये सब चीजें कैलकुलेट करके वॉच टाइम निकलता है। तो पर वीडियो का अपना अपना वॉच टाइम होता है। तो ऐसे जब आपके वॉच टाइम 4000 आवर्स हो जाते हैं, मतलब 4000 आवर्स में बहुत कम लगते हैं बट जब करने में आते हो बहुत ज्यादा लगते हैं। मुझे पता है हमारे ये वाले चैनल पे 4000 वॉचिंग आवर्स हमने कैसे कंप्लीट किए थे, 200, 250, 300 ऐसे ऐसे करके होते थे। हम हर रोज चेक करते थे मम्मी और मैं। तो 4000 वॉचिंग आवर्स आपके कंप्लीट हो गए एंड दैट टू आपको एक साल के अंदर कंप्लीट करने हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपने जुलाई में 2022 अपने चैनल स्टार्ट करा, तो आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई 2023 तक अपने 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करने होंगे। वैसे अगर आप रेगुलर व्लॉग्स वीडियोज व्लॉगरी वीडियोज अपलोड करते रहेंगे तो 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे विद इन अ ईयर। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब वाले मेल भेजेंगे कंग्रेट्स का कि आपका योर चैनल हैज बीन मोनेटाइज। अब ये प्रोसेस तो हो गया, पैसे आना स्टार्ट हो रही है ठीक है, बट पैसे आएंगे कैसे? पैसे देता है हमें एडसेंस, एडसेंस देता है हमें पैसे। तो हमें उसके बाद एडसेंस जैसे ही यूट्यूब का आता है ना मेल, तो उसी के साथ आगे का स्टेप्स भी उसी में होते हैं जिसमें हमें एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। हमने एडसेंस अकाउंट भी बना लिया। एडसेंस अकाउंट आप तभी बना सकते हो जब आपके पास यूट्यूब वाले मेल भेजेंगे। उससे पहले एडसेंस अकाउंट आप बनाओगे तो उसमें आपको साइट का लिंक देना होता है। तो वैसे जो एडसेंस अकाउंट होता है वो जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती है ना उसमें एड जनरेट करने के लिए होता है। अब हमारे पास तो कोई प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं होती, हम तो यूट्यूब के लिए पेमेंट ले रहे होते हैं एंड यूट्यूब का अगर आप चैनल का लिंक डालेंगे तो वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब तक हमारे पास यूट्यूब की साइट से मेल नहीं आ जाता तब तक हम एडसेंस अकाउंट कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें बाय डिफॉल्ट लिंक होता है, वो अपने आप ही प्रोसेस हो जाता है, तो हमें लिंक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी फिर हमें अपनी वही बेसिक सी डिटेल्स देनी होती है जो भी वो पूछते हैं। अब हमारा एडसेंस अकाउंट भी बन गया। एडसेंस अकाउंट हमें पेमेंट करता है डॉलर्स में। अब हम कैसे स्टार्ट करें पेमेंट? एडसेंस अकाउंट पेमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको देता है एक टारगेट देता है कि आप उसे पहले $10 अर्न करके दीजिए। तो हमें पहले $10 अर्न करने होते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल तो मोनेटाइज हो रखा है, मोनेटाइज होते हैं ना सबसे जो प्यारी फीलिंग है ना आपकी हर वीडियो के आगे ना डॉलर का साइन लगने लग जाता है, ग्रीन डॉलर का साइन लगने लग जाता है। तो डेली का हमें पता चल जाता है कि व्यूज के अकॉर्डिंग वॉच टाइम के अकॉर्डिंग कितना हमें डॉलर रिसीव हुआ है। तो $10 जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको गूगल एडसेंस
ये भेजेगा, पिन भेजेगा, इसके अंदर पिन होती है, ये पिन हमें जो आएगी 4 डिजिट्स की होती है, ये हमें एडसेंस अकाउंट में एक वहां पे ऑप्शन होता है, वहां पे हमें फिल करनी होती है। तो जैसे ही पिन वेरीफाई होगी, ये बेसिकली एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो एड्रेस वेरीफाई हुआ हमारा, उसके बाद हमें अपना डिटेल्स नहीं दी, पैन कार्ड, आई गेस मैंने पैन कार्ड ही दिया था, तो वो हमें देना होता है। तो उसके बाद हमें $100 कंप्लीट करने होते हैं। एडसेंस $100 से पहले कभी भी पेमेंट नहीं भेजता, एटलीस्ट मिनिमम आपको $100 अर्न करनी है, चाहे 1 मंथ में कीजिए, चाहे 2 मंथ में, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, पैसे आपके जुड़ते रहेंगे, जाएंगे पैसे कहीं नहीं, बट मिनिमम आपको $100 चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही आप अपने एडसेंस में पहले $100 कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट $100 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपसे एडसेंस बैंक डिटेल्स मांगेगा, उससे पहले बैंक डिटेल्स आपसे नहीं मांगेगा। तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है, बस यहाँ पे एडसेंस का, यूट्यूब का काम खत्म। पेमेंट अब कैसे रिसीव होगी? तो इनकी जो पेमेंट होती है, इनका जो मंथ काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये जो मंथ चल रहा है सितंबर, तो 2 सितंबर को इनका मंथ स्टार्ट, 3 सितंबर को मंथ इनका स्टार्ट होता है, फर्स्ट जो इनका होता है 3 सितंबर को स्टार्ट हुआ एंड 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर इनका लास्ट होता है मंथ का। तो 3 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की जितनी भी पेमेंट होगी ना, जो भी डॉलर्स रिसीव होंगे, वो डॉलर हमें, वैसे तो YouTube स्टूडियो होता है, YouTube स्टूडियो में हमें वो डॉलर शो हो जाएंगे, मंथ के अकॉर्डिंग डॉलर्स लिखे आ जाते हैं। एडसेंस अकाउंट पे वो डॉलर्स 10 तारीख के बाद शो होते हैं, YouTube सारा हिसाब हिसाब करके 10 तारीख को एडसेंस को भेज देता है। तो मैं अभी इसी मंथ की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे 2 सितंबर से 3 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मैंने काम करा, ठीक है, फिर 10 अक्टूबर को एडसेंस अकाउंट में YouTube सारा हिसाब हिसाब जो भी होगा सब भेज देगा। एडसेंस फिर हमें जो पेमेंट करता है 21 से 25 के बीच में, वैसे तो मेरे पास मोस्टली 24 या 25 को ही पेमेंट आती है, 23 को मेल आ जाता है मेरे पास, तो 24 से 25 के बीच में आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, मतलब सितंबर की पेमेंट आपको रिसीव होगी अक्टूबर के एंड में। एंड एक और छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी होती है, बिकॉज ये पेमेंट हमें डॉलर्स में रिसीव हो रही है, बाहर से पेमेंट आ रही है, तो हमें बैंक में जाके एक फॉर्म फिल करना होता है, उन्हें बताना होता है कि हमें पेमेंट क्यों रिसीव हो रही है, यूट्यूब से आ रही है पेमेंट, हमें वहां पे एक फॉर्म फिल करना होता है। बस इतनी सी फॉर्मेलिटी करने के बाद, उसके बाद आपको हर महीने पेमेंट, हर महीने नहीं, मतलब जब भी आपके $100 कंप्लीट होंगे, आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। आप लोग तो हमारी फैमिली हो, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकती हूँ। तो हमें 2 मंथ से पेमेंट रिसीव नहीं हुई, बिकॉज हमारे व्यूज काफी ड्रॉप हो गए थे मामा के हॉस्पिटलाइज होने के बाद से, मैं इनएक्टिव रही थी 2 वीक्स के लिए, तो उसके बाद फिर से पहले जैसे व्यूज नहीं आ पाए, तो उसके बाद से मतलब लाइक हमें जून की पेमेंट जुलाई में रिसीव होती है, तो वो तो हमें जुलाई में पेमेंट रिसीव हो गई थी, जुलाई के हमारे व्यूज आए नहीं, तो हमारे $100 कंप्लीट नहीं हुए। जुलाई का पेमेंट आता है अगस्त में हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई, एंड अभी इस महीने भी हमें पेमेंट रिसीव नहीं होगी, बट अब ये हमारे $100 कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हमें नेक्स्ट मंथ सारी कलेक्टिव पेमेंट अगले मंथ हमें रिसीव होगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा विदाउट स्किप करे हमारी वीडियोस देखो। डिनर में आज मैं बस यही खा रही हूँ, सैंडविच है, पनीर के सैंडविच है, सबके लिए परांठे बने थे पर मेरा परांठा खाने का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिए। आज का ब्लॉग करती हूँ मैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आज मैंने टॉपिक शेयर करा उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई और भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकती है, मैं उनके आपको आंसर जरूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।